हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दानेदार चिकन कोरमा दावतों वाला। ये हमने आधा किलो चिकन लिया है, इसको हमने अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया है। दानेदार दावतों वाला चिकन कोरमा बनाने से पहले हम चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे। ये हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, इसमें हम ये स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा नमक हम कम लगे हम बाद को डाल सकते हैं। ये हमने प्याज पहले ही तल के रख ली थी, ये प्याज भी डालेंगे इसके अंदर। 1 चम्मच भर के नींबू का रस डालेंगे, इसमें हम ये 5-6 चम्मच दही के डालेंगे, ये हमने कटोरी में करके रख ली है। 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। अब इन सभी चीजों को हम हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि हम इसको चम्मच से मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से नहीं होगा, इसलिए हमें इसे हाथ से मिक्स करना है। आपको कम लगे तो आप दही और भी डाल सकते हो, हम थोड़ी कोरमे में डालेंगे। चिकन हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। इसको हम इस तरीके से पन्नी से ढक के रखेंगे, आप चाहो तो प्लेट से भी ढक सकते हो अगर आपके पास पन्नी नहीं हो तो। इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। चिकन को हमने 10 मिनट के लिए रख दिया है, इतने हम कुछ मसाला पीस लेते हैं। ये हमने जो प्याज तली हुई थी इसको भी हम ग्लेंडर जार में डाल देते हैं। 4 बादाम, 4 काजू, खरबूजे की गिरी, 1 कटोरी नारियल का बारूदा, इसमें ही हम ये डाल देते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा हमारे दानेदार चिकन कोरमे में। थोड़ा सा जीरा, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं पीसने के लिए, इसको हम थोड़ा दरदरा पीस लेते हैं। सभी चीजों को हमने थोड़ा दरदरा पीस लिया है, ये हमें इतना दरदरा रखना है, ज्यादा इसको बारीक नहीं पीसना था। इसको साइड में रख देते हैं। चिकन को हमारे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, इसको हम खोल लेते हैं। और कढ़ाई को हमने पहले से गैस पे रख दिया है, तेल डाल के गैस ऑन करके। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें ही हम ये खड़ा गरम मसाला डालेंगे, ये तेज पास के पत्ते। इसमें ही हम चिकन को डाल देते हैं तेल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहो तो सब एक साथ करके डाल सकते हो, ये हम एक एक पीस करके डाल रहे हैं। तेल आप अपने हिसाब से ले सकते हो। गैस को हम तेज कर देते हैं। इसकी जो हमारी ये मसाला है ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। गैस हम फुल आंच पर रखेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। पंद्रह मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देते हैं, इसको पकने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को बनते हुए, अब इसको एक दफा खोल के देख लेते हैं और इसको चला भी देते हैं। और जो हमने मसाला, जो हमने काजू बादाम नारियल के बारूदे का पेस्ट तैयार करा है वो भी हम इसमें डाल देते हैं, डाल रहे हैं जो हमने पेस्ट तैयार करा था। बाकी का भी हम और डाल देते हैं जो हमारा बचा हुआ है। अब इसको इसके साथ मिक्स कर देते हैं चिकन के साथ। ये हमने दरदरा ही पीसा है, दरदरा अच्छा लगता है खाने में। 10 मिनट तक इसको इसी तरीके से भून लेते हैं। काजू बादाम बारूदे के साथ गैस फुल आंच पे रख देते हैं। फुल आंच पे ये हमारा दानेदार दावत वाला चिकन कोरमा अच्छे से बनेगा। इसको ढक देते हैं, ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को बनते हुए, एक दफा इसको खोल के देख लेते हैं। ये हम घर की मलाई डाल रहे हैं, वो भी हम इसके साथ मिक्स कर देते हैं। और गैस को हम बंद कर देते हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है, इसमें ही हम ये काजू डाल देते हैं। ये हमने 4 काजू लिए थे, इसको हमने काट लिया था,
चार बादाम लिए थे इसको भी डाल देते हैं। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे, ये हम हाथ में लेकर डाल रहे हैं। ये दानेदार चिकन कोरमा दावतों वाला हमारा बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।